नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड आफ्टर डूइंग LLB. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सपोज आपके ऊपर कोई फेक रेप केस करता है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं दोनों को एक साथ ऐसे हक कर दूंगी. हेलो, हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज नेहा मिश्रा दिस साइड और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है. तो आज का जो वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, दिस इज गोना बी अ Q&A सेशन. मैंने सोचा कि ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल को स्टार्ट किए हुए एक महीना पूरा हो गया है और मैंने चार व्लॉग्स और काफी सारे शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. तो अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो जाके देखे. मैं यहाँ कहीं आई बटन में एड कर दूंगी लिंक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स दे दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो. तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि सिंस मैंने सोचा कि एक महीने मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और आप आगे मेरे चैनल पे बने रहें और आप मेरे वीडियोस देखें, इससे पहले आपको मेरे बारे में और मेरी लाइफ के बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन लाइक इफ यू आर वॉचिंग मी एंड इफ यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी एंड टू माई वीडियोज, तो ऑब्वियसली यू शुड नो दैट हु एम आई, वेयर डू आई लिव, व्हाट डू आई डू और मैं क्यों हूँ यूट्यूब चैनल पे. कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टा पे एक क्वेश्चन पुटअप किया हुआ था जहां पर मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, कुछ लोगों ने लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, कुछ लोगों ने पर्सनल क्वेश्चंस पूछे. तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस में से कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि हाँ इट इज इम्पॉर्टेंट एंड आई शुड बी शेयरिंग इट विथ एवरी वन हियर, तो मैंने वो क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हुए. आई हैव शॉर्टलिस्टेड दोज क्वेश्चंस एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस विथ यू. तो आई एम रेडी with my questions. Without wasting time, let's get into the video. तो सबसे पहला question जो है वो मेरे बारे में है, that tell us something about you. तो I am from Mumbai itself. I have completed my masters. मैंने physics, digital electronics से अपना master complete किया, उसके बाद मैंने law किया and अब मेरा LLM भी complete होने वाला है. तो basically I am double post graduate. Right now I'm practicing in all courts of Mumbai, so I take all sort of matters because this is just the start of my career और मैं अपने आप को restrict नहीं करना चाहती, तो मैं अभी सारे matters ले रही हूँ. तो yes, that's all about me. And अगर ये तो career की बात होगी, अगर आप personally personal जानना चाहते हैं मुझे, तो यार normal लड़की हूँ मैं, जैसे आप लोग हैं, जैसे आप लोगों की लाइफ स्टाइल है वैसी मेरी भी लाइफ है और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मूड स्विंग्स ये सारी चीज़ें होती रहती मेरे साथ, तो आई एम नो डिफरेंट. तो यार दैट्स इट अबाउट. द सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट सेज दैट कि इफ समबडी कंप्लेंड अ फेक रेप केस, सो हाउ अ बॉय कैन टेक प्रिकॉशन और स्टेप्स. तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल फेक रेप केस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और हर दूसरा आदमी परेशान है इस चीज़ से. इफ सपोज इफ समबडी हैज put a fake rape case on you, so what you need to do is कि सबसे पहले तो एक counter FIR कर दो आप, ठीक है. counter FIR का मतलब ये होता है कि अगर suppose किसी ने आपके ऊपर FIR किया है तो आप भी उसके ऊपर FIR कर दो, उसको कहते हैं counter FIR. तो दूसरी चीज़ ये है कि आप ABA के लिए अप्लाई करो एंड एट द सेम टाइम आप क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई करो हाई कोर्ट में. डिफेंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिफेंस ये है कि जो आप दोनों के बीच में, मीन्स आई मीन द गर्ल एंड द बॉय, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, मेल्स के थ्रू हुआ है, ये कॉन्वर्जेशन जो है ना, दैट कैन बी अ बिग एविडेंस इन दिस केस एंड अ बिग डिफेंस फॉर यू. दूसरी चीज ये है ना कि आपका, वो बोलते हैं ना कैरेक्टर एविडेंस, इसको इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना आपके फेवर में, मतलब आपके नेबर्स, आपके कलीग्स, आपका बॉस, आपके टीचर्स, यू नो, जो आपको अच्छे से जानते हैं, ये आपके फेवर में कोर्ट में आके एविडेंस दे सकते हैं. लाइक बेसिकली अ काइंड ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आके बता सकते हैं आप कोर्ट में कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. थर्ड इम्पॉर्टेंट डिफेंस इज दैट कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे केसेस में यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि एलिगेशंस किस हद तक और यू नो कितने सच हैं, बट देन वी कैन फोकस ऑन द इंटेंशन, यू नो द इंटेंशन एंड द मोटिव. तो यू नो कभी कभी क्या होता है कि यू नो इफ टू पीपल आर स्टेइंग टुगेदर एंड देन आफ्टर यू नो आफ्टर सम टाइम इफ थिंग्स डजेंट वर्क आउट एंड उनको पता चलता है कि कंपैटिबिलिटी इशू है और चीजें उनके बीच खराब हो रही हैं एंड देन व्हेन दे पार्ट वेज, तो यू नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गर्ल यू नो
टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम द गाय कैन पुट अ फॉल्स रेप एलिगेशन ऑन दैट पर्सन. तो ऐसे केसेस में ना इंटेंशन और मोटिव देखा जाता है कि वॉट इज द इंटेंशन, कि वाई दैट गाय गॉट सेपरेटेड, की फैमिली इशूज की वजह से, फाइनेंशियल इशूज की वजह से, कंपैटिबिलिटी इशूज की वजह से. तो ऐसे केसेस में इंटेंशन को यू नो प्रेफरेंस दी जाती है जहां पर यू नो एविडेंसेस की शॉर्टेज होती है. अदर डिफेंस विच यू कैन यूज इन द कोर्ट इज दैट यू कैन ब्रिंग आउट द हिस्ट्री ऑफ दैट गर्ल और दैट वुमेन, कि क्या वो लड़की या क्या वो औरत जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्या उसका पास्ट रिकॉर्ड भी ऐसे ही रहा है, क्या वो ये एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए तो नहीं कर रही है. तो आप ये एविडेंस भी कोर्ट में या ये डिफेंस भी कोर्ट में ला के दे सकते हैं दैट यू नो जस्ट बिकॉज यू नो कि ये तो इसका काम ही ऐसा करना. सो दैट्स द थिंग विच यू नो यू कैन ब्रिंग इन द कोर्ट. ऐसी बहुत सारी चीजें, नाउ आई कैन नॉट एलैबोरेट बिकॉज ये काफी लंबा हो जाएगा. फिर इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी डिटेल वीडियो. आई विल टेल यू ईच एंड एवरी थिंग. एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी लीव कंपनी विदाउट कंप्लीटिंग नोटिस पीरियड? इफ वी लीव वॉट टाइप ऑफ एक्शन द कंपनी विल टेक? तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर नोटिस पीरियड की बात हो रही है तो आपने कंपनी के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया ही होगा. प्लस अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा तो उसमें ऑलरेडी ये दिया गया होगा कि अगर आप यू नो बिना नोटिस पीरियड सर्व किए अगर आप कंपनी छोड़ते हो या यू नो अगर आप बीच में ही क्विट करते हो तो कंपनी के पास क्या क्या पावर्स हैं आपके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए. तो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती हैं. बट जस्ट इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ये चीजें और यू नो अगर आपने फिर भी नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा कंपनी आपको आपकी सैलरी नहीं दे सकती और जो भी आपको बोनसेस या प्रॉफिट्स होने वाले रहेंगे वो होल्ड पे रख सकती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर फेवरेट तमिल मूवी? यार टू बी ऑनेस्ट मैं साउथ की मूवीज में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाती हूँ कि कौन सी तमिल है, कौन सी कन्नड़ा मूवी है, कौन सी तेलुगु या तुलु मूवी है. तो मैं बस एंजॉय कर लेती हूँ, जिसका हिंदी डब होता है मैं बस देख लेती हूँ, एंजॉय कर लेती हूँ. मैं इतना डेप्थ में नहीं घुसती तो मैं अभी आपको नाम भी नहीं बता सकती कि विच इज माई फेवरेट तमिल मूवी. बिकॉज अगर क्या पता मुझे अगर यू नो मैंने मूवी का नाम बताया और पता चला वो तमिल ना होके कन्नड़ा मूवी निकली, या आई डोंट नो, आई मीन लाइक सो कन्फ्यूजिंग. बट येस आई लव ऑल द साउथ मूवीज, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मजा आता है उन्हें देखने में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू हैव दैट स्टनिंग ग्रेस इन यू ऑलवेज, आई नो यू आर अ लॉयर बट वाई डोंट यू ट्राई एक्टिंग एज एन हॉबी? तो यार पहली बात तो ये है ना कि एक्टिंग एज अ हॉबी पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज एक्टिंग एक करियर है और आप अनलेस एंड अंटिल आप उसको फुल टाइम नहीं देते हो ना यू वोंट बी एबल टू डू दैट. एंड सेकेंड ऑफ ऑल मुझे एक्ट करना, मुझे कैमरे के सामने रहना अच्छा लगता है बट दैट डजंट मीन्स कि आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर. डेफिनेटली दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी एंड आई डू रिस्पेक्ट यू नो जो भी इस फील्ड से है बिकॉज ऑब्वियसली उसके लिए भी मतलब आप जो भी गो थ्रू करते हो ना दैट इज बियॉन्ड आर लाइक आर इमेजिनेशन जो नॉन एक्टर्स हैं ऑफकोर्स. तो मेरे बस की बात नहीं है, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी. आई एम वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर प्रोफेशन आई हैव एंड आई एम डूइंग एंड आई गेस आई एम डूइंग ग्रेट. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लॉ फील्ड टू गो अहेड? तो आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं कि लॉ करने के बाद क्या करना चाहिए. बट आई थिंक लॉ इज वन ऑफ दोज फील्ड जो आप यू नो अगर लॉ करने के बाद ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करने के लिए. जैसे कि आप यूपीएससी के लिए कर सकते हो प्रिपरेशन, आप जुडिशरी के लिए कर सकते हो, पॉलिटिक्स में जा सकते हो, यू कैन बी अ सॉलिसिटर, यू कैन ट्राई फॉर अ सॉलिसिटर, यू कैन बी एडवोकेट जनरल, आप स्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, आप लिटिगेशन में जा सकते हो, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी एज अ लीगल असिस्टेंस काम कर सकते हो. तो बहुत सारे स्कोप हैं लॉ करने के बाद. मतलब लॉ करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि अगर सामने वाले ने लॉ कर लिया है तो वो सिर्फ वकील ही होगा. यू नो वकील मीन्स आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो. तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट लॉ हैज अ वास्ट 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 ऑप्शन. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन ये है कि इज देयर एनी लॉ और मूवमेंट फॉर मेन लाइक फेमिनिज्म इज फॉर वुमेन? तो मेरी जानकारी के हिसाब से मेंस के लिए स्पेसिफिकली कोई लॉ नहीं है. हाँ जनरल एक्सेप्शंस हैं और बाकी जो लॉ सबके लिए अवेलेबल है वो यू नो मेंस के लिए भी अवेलेबल है. बट ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ जो कि सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए है दैट्स नॉट देयर इन आर
इंडियन लॉ. सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड आफ्टर डूइंग LLB और हाउ टू गेट सनद फ्रॉम स्टेट बार काउंसिल. ओके, सो मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली मुंबई की. आई एम श्योर कि बार काउंसिल के एनरोलमेंट का प्रोसीजर हर स्टेट में सेम ही होगा. तो मुंबई में अगर आपको एनरोल करना है आफ्टर यू हैव कम्प्लीटेड योर LLB, तो सबसे पहले तो आपको हाईकोर्ट में सेकेंड फ्लोर पे जैसे आप गेट नंबर 3 से आप एंट्री करते हो, तो गेट नंबर 3 से एंट्री करने के बाद आपको राइट लेना है और सेकेंड फ्लोर पे जाकर आपको बार काउंसिल के ऑफिस से आपको फॉर्म लेना है. फॉर्म कुछ 500 का आता है. सो वंस यू हैव टेकन द फॉर्म यू नीड टू गो थ्रू इट वेरी केयरफुली. आई वुड सजेस्ट ना कि आप उस फॉर्म का ना जेरोक्स निकाल लो और पहले वो जेरोक्स को फिल करो सो दैट आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिस्टेक ना करो. डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपका 10th का 12th का रिजल्ट और पासिंग सर्टिफिकेट लगने वाला है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगने वाला है, आपका आधार लगने वाला है, सबके जेरोक्स ऑफकोर्स, और ओरिजिनल भी साथ में कैरी करना फॉर वेरीफिकेशन. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. अगर आप 3 और LLB में अलग, अगर आपने 3 और LLB किया है तो ऑब्वियसली आपका ग्रेजुएशन का जो भी, लेकिन अगर आपने BCom, BSc या BA किया है तो ऑब्वियसली उसका भी पासिंग सर्टिफिकेट, उसका भी रिजल्ट लगेगा. और अगर आप 5 ईयर LLB वाले हो तो आपका LLB का सारा, ऑल द 10 सेमेस्टर का रिजल्ट देन पासिंग सर्टिफिकेट, ये लगेगा. 3 ईयर LLB है तो 6 सेमेस्टर्स के, सारे 6 सेमेस्टर्स के रिजल्ट और पासिंग सर्टिफिकेट लगने वाले हैं. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का पोटला बना के आपको जाना है नोटरी वाले के पास और इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे नोटरी करवानी है. अब अगर आप पूछेंगे कि नोटरी कहाँ से करवानी है, तो हाईकोर्ट के बाहर ही ना काफी सारे ऐसे नोटरी वाले बैठे होते हैं, तो आप उनसे जाके नोटरी करवा सकते हो. 10 रुपीज पर पेज लेते हैं, आप चाहो तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हो तो कम कर देंगे वो लोग, बट 10 रुपीज पर पेज इज द मिनिमम कॉस्ट दे टेक. उसके बाद नोटरी करवाने के बाद वहां पे एक और कंडीशन होती है, एक फॉर्म, मतलब फॉर्म में ही एक ऑप्शन होता है जहां पर 2 एडवोकेट्स का, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का साइन लगता है, और वो एडवोकेट जो है ना वो या तो 10 ईयर्स या मोर देन 10 ईयर्स शुड बी देयर इन द प्रैक्टिस. फिर ये सब कुछ इकट्ठा करके आपको जाके बार काउंसिल के ऑफिस में सबमिट करना होता है. वो लोग वेरीफाई करेंगे, एक बार आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, देन यू हैव टू पे अ फीस ऑफ अराउंड 15,500 something. उसके बाद ये फीस पे करने के बाद दे विल प्रोवाइड यू अ रिसीप्ट, और वो रिसीप्ट मिलने के आई थिंक अगर आपने 10 अप्रैल को अगर आपने रिसीप्ट या जो भी है फीस या जो भी सबमिट की है, तो 10 मई से पहले आपके घर में बाय स्पीड पोस्ट वो लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाएगा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू गेट अ जॉब अंडर अ सीनियर लॉयर आफ्टर LLB. ओके, तो एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. तो मैंने आफ्टर LLB, ऑब्वियसली लॉकडाउन था तो मुझे इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिला, तो डायरेक्टली जब मेरा लाइसेंस आया तो उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी. तो वॉट यू कैन डू इज, सबसे पहले तो आप अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लो. वहां पे काफी सारे ऐसे ऑप्शंस आते रहते हैं जॉब के, वैकेंसीज वगैरह रहती हैं. दूसरी चीज मैंने क्या की थी कि आई वॉज एडेड इन अ व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे हर दिन अपडेट्स आते रहते हैं कि कौन से एडवोकेट्स के पास वैकेंसी है, कौन से एडवोकेट को लॉयर्स की जरूरत है या इंटर्न्स की जरूरत है, तो वो अपडेट्स आते रहते थे. तो मुझे, मैंने वहां से भी इन्फॉर्मेशन निकाली थी. लिंक्डइन पे भी मेरी प्रोफाइल है. और उसके अलावा मैंने क्या किया था, मैंने गूगल पे ना सर्च किया था लिटरली कि फेमस क्रिमिनल लॉयर्स इन मुंबई. तो जिनके भी, जितने भी नाम मुझे आए लिस्ट में आए थे, मैंने सबको अपना CV जो है मेल कर दिया था कि कहीं से तो अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए और मुझे शायद किसी बड़े सीनियर लॉयर के अंडर प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए. तो आप ये 2-3 चीजें ट्राई कर सकते हो. एंड या दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द वेकेंसी फॉर इन द फील्ड ऑफ लिटिगेशन. तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं. मतलब मेरे केस में तो वर्क किया था और मुझे काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे, बट आई वॉज बिट चूजी और मैं किसी नोन पर्सन के अंडर प्रैक्टिस करना चाहती थी एंड फॉर माई ऑब्वियस रीजन्स. तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ये है दैट वाई डू यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल. बी ऑनेस्ट, मैंने
2020 लॉकडाउन से ही सोचा था कि मुझे एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, बट आई वॉज रियली नॉट श्योर कि मैं किस जॉनर में अपना यू नो चैनल स्टार्ट करूँ. मैं फैशन में स्टार्ट करूँ कि मैं एजुकेशनल में स्टार्ट करूँ कि व्लॉगिंग करूँ कि क्या, लाइक यू नो आई वॉज नॉट वेरी श्योर. तो ये रैंडम यू नो एक मैंने पहले ही रैंडम प्लान बना कि मुझे अब तो करना ही चाहिए, बिकॉज मैं जितना ज़्यादा सोचूंगी उतने ज़्यादा मुझे डाउट्स आएंगे एंड दिस नेवर गोना एंड. सो आई जस्ट थॉट ऑफ लाइक जस्ट स्टार्टिंग इट कि भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर लो, लेट्स सी हाउ एंड वेयर इट गोज. तो येस आई एम हियर ऑन यूट्यूब. दूसरी इंपॉर्टेंट वजह ये है कि मैंने सोचा कि यार अगर एंटरटेनमेंट के साथ साथ लाइक अगर मेरी व्लॉगिंग देखते देखते या यू नो मुझे देखते देखते अगर आप कुछ भी यू नो एक अच्छी चीज सीखते हो या आप लॉ रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे थ्रू मिलती है तो यू नो आई फील दैट आई बी अ ब्लेस्ड. मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है अपने लाइफ में और एटलीस्ट मैं अपना जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. और ऐसा करने से अगर यू नो वो नॉलेज लेने से अगर आपका कोई फायदा होता है तो ऑब्वियसली इट विल बी अ गुड थिंग. सो येस आई हैव थॉट दैट वे, लेट्स सी वेयर इट गोज, होपिंग फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस. एंड हियर आई एंड माई Q&A सेशन. मैंने अपने बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने आपके क्वेश्चन भी आंसर कर लिया है. यू नो काफी सारे क्वेश्चन थे जो मैंने स्किप किए हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सबके आंसर्स देती तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और थोड़ा बोरिंग भी हो जाता. तो मैंने बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन चूज किए थे और मैंने कोशिश की है कि मैं उन्हें इंटरेस्टिंग वे में आंसर दे सकूँ. तो येस हियर दैट्स इट. मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में. अगला वीडियो होगा या व्लॉग होगा देखते हैं, आप मुझे बता दो आप क्या देखना चाहते हो. व्लॉग देखना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं लॉ रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं, तो वट एवर यू वॉन्ट जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो. एंड उसके पहले आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो